रायबरेली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। गांजा तस्करों के गिरोह पर शिकंजा कसते हुए 6 गांजा तस्करों के साथ लगभग 1.25 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। गांजा एक ट्रक में लोड होकर आंध्र प्रदेश से लाया जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सप्लाई किया जाता है। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए गांजा तस्करों को अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए जेल भेजा। आपको बता दें कि जनपद में लंबे समय से अवैध गांजे का कारोबार फल फूल रहा था और अवैध तस्करों की तलाश थी। बीती रात भदोखर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मुंशीगंज तिराहे से एक ट्रक और स्कॉर्पियो सहित अंतर्राज्यीय 6 तस्करों को दबोचा था। ट्रक में 4 क्विंटल 75 किलोग्राम गांजा था, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त पंजाब, राजस्थान, बिहार और बिहार के कई जनपदों के निवासी बताए जा रहे हैं। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।